ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स की आपकी क्लास है नीट और जेईई एडवांस की। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सबस्टेंसेस को स्टडी करेंगे और इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज की जो क्लास होगी वो अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक सबस्टेंसेस का फर्स्ट पार्ट कवर करेगी और टुमारो की जो क्लास होगी वो इसका सेकेंड पार्ट कवर करेगी। इससे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को स्टडी किया होगा, फैराडेज लॉ एक्सेट्रा। तो मैग्नेटिज्म का कुछ आइडिया है। हम आज यहाँ सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सबस्टेंसेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसको इसमें से हम मैग्नेटिक सबस्टेंसेस को सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो आपको बता दें कि मैरी क्यूरी और फैराडे, उनका नाम आपने सुना होगा, सुना है सभी ने। मैग्नेटिक सबस्टेंसेस को जब स्टडी किया जा रहा था तो ये पाया गया कि डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेंसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे कि कुछ सबस्टेंसेस मैग्नेटिक फील्ड में स्लोली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ सबस्टेंसेस मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ सबस्टेंसेस मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर वो इनवर्स बिहेवियर शो करते हैं। मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिधर ज्यादा होती है वहां से दूर की ओर, मतलब दूर। इस प्रकार से मैडम क्यूरी और फैराडे ने सबस्टेंसेस को उनकी मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर स्टडी किया। मैग्नेटिक बिहेवियर और इसको क्लासिफाइड किया। क्लासिफाइड फोकस सर क्लियर नहीं है सर जी, क्या कह रहे हैं आप सर? फोकस क्लियर नहीं आ रहा सर। नहीं सर, वॉइस भी क्लियर नहीं आ रहा, फोकस भी सर कम आ रहा है, बराबर दिख नहीं रहा सर। पूरा बोर्ड आपको सही नहीं दिख रहा है? नहीं सर, हल्का ब्लर है सर। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। अब बताएं आपको बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। और वॉइस मेरी अभी वॉइस सही आ रही है सर? अच्छा, सही। तो चलिए मैं थोड़ा स्पीक करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली है क्या कि थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वहां से वॉइस की क्लियरिटी थोड़ा कम हो सकती है, बट आपको विजिबिलिटी क्लियर आ रही है ना बोर्ड की? यस सर जी। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो आप बीच में बोल सकते हैं। ठीक है, ओके सर। बेसिस ऑफ क्यूरी और फैराडे ने इसको सबस्टेंसेस को स्टडी किया और 1846 में इन्होंने सबस्टेंसेस को कुल थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। जिसमें से पहला था डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, दूसरा है
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस प्रकार से ये याद रखिए क्लासिफिकेशन किसने किया, मैडम क्यूरी और फराडे की स्टडी के बाद इसको क्लासिफाई किया गया 1846 में। किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, और मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरी में किया गया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम लोग वन बाय वन इन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नंबर आता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज एक मैंने मैग्नेटिक के पोल्स को इस तरह से अरेंज किया और हमारे पास कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई सैंपल है, उस सैंपल को मैंने यहां प्लेस किया, आप देख रहे हैं कि जो पोल्स के बीच मैग्नेटिक फील्ड होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, पोल्स के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वीक, पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी जहां मैग्नेटिक लाइन का पोल्स पास पास दिख रही है, और जहां दूर दूर दिख रही है वहां मैग्नेटिक लाइन का पोल्स दूर दूर दिख रही है वहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को यहाँ प्लेस करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें मैग्नेटाइजेशन तो होता है, ऐसा मैग्नेटाइजेशन होता है बहुत वीक, जिसको हम कहते हैं फीबल मैग्नेटाइजेशन। पॉइंट नंबर ए, आप ऐसे लिख सकते हैं, वेल प्लेस्ड व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड they acquire feeble magnetization, और magnetization तो इसमें produce होगा लेकिन इसकी direction opposite हो जाएगी, तो opposite to the direction of magnetic field, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा, यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इससे पहले चीजों को स्टडी किया है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, हम चैप्टर के लास्ट में एक बार फिर से समराइज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन अपोजिट बी। अगर इन सब्सटेंसेस को हम किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल के नजदीक रखते हैं, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं केवल एक पोल को शो करते हैं, नॉर्थ पोल है और ये कैसा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास ये मैंने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को के सैंपल को रखा, तो यहां पर क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रिपेल करेगा, तो यार
पॉइंट हमारा आ गया रिपेयर बाय द हैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास ले जाने पर ये प्रतिकर्षित होगा, रिपेल किया जाएगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के द्वारा। सी, अब आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, रिपेल बाय द एंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। सी, यहां पर एक फिगर देखें, अगर कोई सबस्टांस मेरे पास डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं, जिनका एग्जांपल मैं अभी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के बाद दूंगा। तो मेरे पास कोई डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है, उसका सोल्यूशन है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे जिसमें हमें डिसॉल्व करने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब ना हो या चेंज ना हो। तो ऐसा सोल्यूशन लिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का कोई सोल्यूशन लिया और उसको हमने एक यूट्यूब में भर दिया। ये कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था और इसको मैंने एक यूट्यूब में फिल कर लिया। जब इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के सोल्यूशन को यूट्यूब में फिल करेंगे, यूट्यूब की दोनों आर्म्स में इसका लेवल इक्वल होगा, ये लेवल आ रहा है। अब क्या करते हैं, इसकी एक आर्म को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि एक मैग्नेट लिया मैंने इस तरह से और यहां पर रख दिया, ये एन पोल है, ये एस पोल। अब क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो इस आर्म में जहां पर मैंने मैग्नेट प्लेस किया था, ये लेवल डाउन हो जाएगा, यहाँ पर ये दूर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से दूर आ जाएगा, और जितना ये लेवल डाउन होगा उतना ही लेवल यहाँ पर ये इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल लेवल लेवल इन द आर्म ऑफ यूट्यूब डिप्रेस्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में उस आर्म को रख देंगे, देन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। मैं समझता हूँ तीनों पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर यूट्यूब में भरे हुए सॉल्यूशन का लेवल उस आर्म में डिप्रेस हो जाएगा जहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था सॉल्यूशन उतना ही उस आर्म में राइज कर जाएगा। डिप्रेस और ये राइज इस आर्म में राइज कर जाएगा। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को पोल्स के बीच में हमें प्लेस करना है और वो रॉड के फॉर्म में, सॉलिड रॉड के फॉर्म में, तो देखते हैं उसका बिहेवियर कैसा होगा। ये मैग्नेट्स हैं, एन पोल, एस पोल। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा याद रखें, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में आप लोगों ने इंटरमीडिएट में भी स्टडी किया होगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ की जाती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक कोई सैंपल हमारे पास है ये रॉड के फॉर्म में, और इस रॉड के सैंपल को ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है,
इसको रॉड को उठा के हमने किसी भी डायरेक्शन में ले जाके पोल्स के बीच में रखा। सपोज मैंने इस प्लेन को, आप मानिए कि ये रॉड के फॉर्म में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैंने इसको ले जाके ऐसे रखा, तो जैसे ही ये रखे ये, तो ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एलान हो जाएगा, मीन्स इस तरह से आ जाएगा। हमने इसको ले जाके किसी दूसरे डायरेक्शन में किसी थीटा एंगल से रख दिया, तब क्या होगा, तब भी ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चला जाएगा, मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हो गया। तो ये रॉड जैसे ही हम रखेंगे, ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से अलाइन हो जाएगी। अब अलाइन होने के बाद उसमें मैग्नेटिक पोल्स भी डेवलप हो जाएंगे, और मैग्नेटिक पोल इस तरह से डेवलप होंगे कि जो साइड एन पी की तरफ है उसमें एन पोल ही डेवलप होगा, और साउथ वाली साइड में एस पोल ही डेवलप होगा। ये ध्यान रखना, सिमिलर पोल्स डेवलप हो गए यहाँ पर। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी में लिखेंगे अलायंस, रॉड अलायंस इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने बिहेवियर देखा, अब हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो इसके लिए फिर अगले फिगर पे नजर डालते हैं, किस तरह का अरेंजमेंट करते हैं मैग्नेटिक पोल्स। और दूसरा फिगर इसी तरह का नीचे बना लेते हैं, ये एम पोल है, मैग्नेट का एस पोल है, और एक दूसरा फिगर बनाते हैं। बस ध्यान ये रखते हैं कि इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स की डिस्टेंस ऊपर वाले फिगर में कुछ कम है, और नीचे वाले फिगर में हम इन पोल्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, थोड़ा दूर कर देंगे। अब क्या करते हैं, एक पोर्सलिन डिश लेते हैं, एक कांच की प्लेट ले लेते हैं, उसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस के पाउडर को, पाउडर फॉर्म में मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं, और हो सकता है कि लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में भी रख सकते हैं, गैसीय फॉर्म में यहाँ टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। तो पोर्सलिन डिश को इस तरह से प्लेस करते हैं, और दूसरे वाले फिगर में इस तरह से प्लेस करते हैं, जिसमें कि हमारा मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा, डायमैग्नेटिक मटेरियल रखता होगा। अब देख रहे हैं, जब मैग्नेटिक के पोल्स पास पास होंगे तो इनके बीच स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और आपको मालूम है कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से ये दूर भागते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसका मतलब बीच में जब आपने इस तरह से इसके ढेर को रखा, तो क्या होगा, बीच में कम हो जाएगा, किनारों पर इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे ये किनारे पर ढेरी लग गई, ये किनारे पर लग गई, और बीच में ये कम हो गया। अब हमने मैग्नेट के पोल्स को थोड़ा दूर दूर कर दिया, जब मैग्नेट के पोल्स को दूर दूर कर दिया, तो आप देखेंगे कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और पोल्स पर स्ट्रांग हो जाएगी। तो जहां पर स्ट्रांग होगी वहां से फिर दूर भागेंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागेंगे, तो ये यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड में इकट्ठा हो जाएगा और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं, तो वो वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मूव करने की कोशिश करता है, मीन स्ट्रांग फील्ड जहां पर होगा वहां से हटकर वीक फील्ड की ओर ये अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, यहां पर लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और डिटेल में आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा, नॉन मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर क्या था, मूव फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं, मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग
वीक पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट जहां वीक होगा स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट की ओर ये मूव कर रहे होंगे। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ई के बाद एल, परमेबिलिटी। जिसको हम लोग कहा करते थे चुंबकशीलता, और म्यू जीरो टर्म जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या विद्युतशीलता कहलाती है, और यहाँ पर म्यू जो है वो परमेबिलिटी या चुंबकशीलता। तो परमेबिलिटी जो इसकी होती है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे डेफिनेशन से डिटेल में थोड़ा बताएंगे। म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। In the value of permeability for the diamagnetic substances is always less than 1. Okay. इसी तरह से हम लोग paramagnetic और ferromagnetic substances के बारे में study करेंगे, तो questions कुछ comparative study पर भी बनते हैं कि कौन कौन से substances के लिए permeability की value 1 से कम होती है, किसके लिए ज्यादा होती है, किसी particular substance को देकर पूछ सकते हैं, या बहुत से तीन या चार के ग्रुप में कुछ पेयर्स बनाकर पूछ सकते हैं कौन सा वाला पेयर सही है कौन सा वाला पेयर गलत है। नेक्स्ट जी पॉइंट, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी को हम ये एक्स जैसा लेटर होता है, इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ससेप्टिबिलिटी काई, और कुछ बुक्स में यहाँ पर एम भी लिखा मिलेगा और हम सिंपली यहाँ पर काई ले रहे हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल, कुछ लोग इसको जाई भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। ओके काई या जाई, द वैल्यू ऑफ काई इज स्मॉल एंड निगेटिव। याद रखिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए बहुत ही कम होती, बहुत कम होती है, और जितनी भी वैल्यू होती है वो सब नेगेटिव ही होती है। नेक्स्ट एच जाई, चलो एम ले लो, इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर को अगर आप राइज कर दें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के या लोअर कर दें, ससेप्टिबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस डिस्कस करेंगे तो मैं वहां बताऊंगा आपको ये डिपेंडेंसी ससेप्टिबिलिटी की टेम्परेचर पर क्या होती है, और उस लॉ को हम लोग क्यूरी लॉ कहते हैं, क्यूरी लॉ को आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को देखा। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस, बिस्मथ जिंक कॉपर, बिस्मथ बी आई, जिंक जेड एन, कॉपर सी यू, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छे कंडक्टर हैं, और ये सारे के सारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा डायमंड, हीरा, हीरा क्या होता है, कार्बन का ही अपर रूप होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में स्टील लिख दिया, ठीक है ना। तो कार्बन वैसे नहीं, जब वो अपने अपर रूप हीरे के फॉर्म में होगा, यानी कि डायमंड के फॉर्म में होगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, आप लोगों के कभी पढ़ेंगे जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे डायमंड। और इसके साथ में कुछ कंपाउंड्स जैसे नमक NaCl, वाटर H2O, ये भी हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसके साथ मरकरी HG,
नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये सारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो आपने यहां देखा उसको सॉलिड फॉर्म में, बीच में जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, वाटर यहां पर आ गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। NaCl का जो वाटर में सोल्यूशन होगा वो भी डायमैग्नेटिक होगा। एक्चुअली मर्करी, मर्करी लिक्विड फॉर्म में होता है और यहां पर देख रहे हैं गैसीय फॉर्म में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो तभी डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझको? स्टूडेंट्स आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में बताया था कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो फीबल मैग्नेटाइजेशन, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन उन सब्सटेंसेस में प्रोड्यूस होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसका उल्टा कर दीजिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएंगे। मैग्नेटाइज होने का मतलब इनमें भी चुंबकत्व तो आ जाएगा और उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगी, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटाइजेशन बहुत ही वीक हो तो क्या लिखेंगे, एक्वायर फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता था, यहां पर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके सेकेंड पॉइंट, जब इन सब्सटेंसेस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास लाएंगे तो मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे और स्लोली अट्रैक्ट होंगे नियर पावरफुल मैग्नेट। पावरफुल मैग्नेट के एंड्स के पास लाएंगे, पावरफुल मैग्नेट क्या होगा, अट्रैक्टेड बाय द पोल ऑफ द मैग्नेट और स्लोली, बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं होंगे, स्लोली अट्रैक्ट होंगे। पॉइंट सी, सी पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए और उसमें हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रॉड के फॉर्म में रखा था तो रॉड इस तरह से अलाइन हो गई थी कि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को लेंगे रॉड के फॉर्म में, ये हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है मान लीजिए पेन, और इसको मैंने मैग्नेट के पोल्स के बीच में ले गया किसी डायरेक्शन में ऐसे करके ले जाके रख दिया, तो ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अलाइन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते हैं, जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो वो अपने आप टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक पैरेलल
ठीक है ना, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेगा। तो लिखेंगे प्लेसिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड रॉड प्लेसिंग इन मैग्नेटिक फील्ड अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटिक मैग्नेटिक। यहाँ पर हम कुछ नोटेशन शॉर्ट में यूज करेंगे, आप इसे देख लीजिए। जब हमें परपेंडिकुलर लिखना होता है तो परपेंडिकुलर इस तरह से लाइंस बना देते हैं और यहाँ पर आर लिख देते हैं शॉर्ट में। तो परपेंडिकुलर इसका मतलब है, और दो पैरेलल लाइन बना के यहाँ पर लास्ट में एल लिख देते हैं, इसका मतलब है कि समानांतर या पैरेलल। तो यहाँ पर ये मैंने दो समानांतर लाइन बना के एल लिखाऊंगा, तो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड। कोई रॉड रखेंगे तो वो इस तरह से अपने आप को पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर देगी। और खास बात ये होगी, एन के पास वाला सिरा एस बन जाएगा और एस के पास वाला एन बन जाएगा। डायमैग्नेटिक में उल्टा होता था, पहली बात तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रॉड आ जाती थी और एन की तरफ एन सिरा, एस की तरफ एस सिरा बन जाता है। यहाँ पर पैरेलल लाइन हो जाएगी रॉड और एन की तरफ एस, एस की तरफ एन, ये सिर्फ उल्टे यहाँ पर डेवलप होगा। YouTube में सोल्यूशन को लेंगे तो क्या होगा, YouTube है इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के सोल्यूशन को फिल कर दिया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के सोल्यूशन को फिल कर दिया, ये हमारा लेवल था। उसके बाद एक आर्म को मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक आर्म को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया एन एस। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं तो इस पोर्शन में राइज कर जाएगा और यहाँ पर ये लेवल डाउन हो जाएगा, यहाँ ये डिफ्रेंस होगा और यहाँ पर राइज होगा। अब देख रहे हैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंस का उल्टा बिहेवियर शो कर रहा है। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को जब सोल्यूशन को मैंने यूट्यूब में भरा था और किसी एक आर्म के बीच, एक आर्म को मैग्नेटिक फील्ड के बीच रखा था, तो वहां पर डायमैग्नेटिक सबस्टेंस डिप्रेस हो रहा था, लेकिन पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का सोल्यूशन राइज कर जाएगा यूट्यूब में, ठीक है ना, उल्टा बिहेवियर शो कर रहा है। तो सोल्यूशन इन यूट्यूब राइजेस इन द आर्म नियर मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के पास वाली आर्म में सोल्यूशन राइज कर जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसका बिहेवियर कैसा होगा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दो फिगर फिर से बना लेते हैं। ये मैग्नेट के पोल्स हैं यहाँ पर, किसी प्लेट में मैग्नेटिक सबस्टेंस को रखा गया है एन एस। अब पोल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, M, S। आपने देखा कि ऊपर हमने मैग्नेटिक पोल्स को पास पास रखा है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बीच में होगा। अभी क्या था, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड से दूर भागते थे और यहां पर क्या होगा, ये पास आ जाएगा, तो मेरी जो पूरी सबस्टेंस है वो बीच में लग जाएगी। जब हम मैग्नेटिक पोल्स को दूर कर देंगे तो बीच में हमारा मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा और किनारों पर स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात क्यों कर रहे हैं, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, अगर किसी एक स्थान पर जितनी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की दूसरे स्थान पर बीच में या किनारे पर बराबर हो तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा।
अगर एक पोल से दूसरे पोल की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रांग है, यहाँ पर वीक है, फिर यहाँ पर स्ट्रांग मिला, एक जैसा नहीं मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इनका बिहेवियर कैसा होगा, ये वीक से स्ट्रांग फील्ड की ओर भागे। डायमैग्नेटिक में क्या होता था, स्ट्रांग से वीक की ओर मूव करते थे, और पैरामैग्नेटिक वीक से स्ट्रांग की ओर मूव करते थे। तो क्या होगा, बीच में वीक है, किनारों पर स्ट्रांग है, तो ये इस प्रकार से ऐसे मटेरियल यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। इनके लिए परमेबिलिटी या चुंबकशीलता की वैल्यू ग्रेटर देन वन, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में लेस देन वन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ग्रेटर देन वन। और देखें पॉइंट जी, सस्केप्टिबिलिटी इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई एन, इसकी वैल्यू होती है सस्केप्टिबिलिटी की स्मॉल, क्योंकि डायमैग्नेटिक के लिए भी स्मॉल होती है, पैरामैग्नेटिक के लिए भी स्मॉल होती है सब्सेप्टिबिलिटी, लेकिन नेचर अपोजिट होता है, डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव थी और यहां पर हो जाएगी पॉजिटिव। तो पैरामैग्नेटिक के लिए सब्सेप्टिबिलिटी फाई एम की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगला पॉइंट आता है, मैंने डिस्कस किया था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर चेंज होने पर अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते, बट यहां पर टेम्परेचर चेंज होने पर इनका बिहेवियर चेंज होता है, और ये क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे क्यूरी लॉ क्या है। फॉलो क्यूरी लॉ, क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ ये कहता है, इफ सस्सेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस रूल को फॉलो करती है, तो ये हमारा क्यूरी लॉ है। और आगे डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, वहां पर सब्सटेंसेस अपने नेचर को बदल देते हैं, कभी कभी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बन जाता है, तीसरा टाइप का जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। मींस जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे, सब्सेप्टिबिलिटी की वैल्यू घटती जाएगी, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्योंकि सोडियम क्लोराइड डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन सोडियम पैरामैग्नेटिक होता है, सोडियम पीटी, प्लैटिनम, मैग्नीज, कॉपर का क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस, और भी एक्सेट्रा, ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अब यहां पर क्यूरी लॉ को सेपरेट देख लेते हैं। क्यूरी लॉ किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर सस्केप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्स हो तो ये क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं। क्यूरी लॉ है मींस फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड सस्केप्टिबिलिटी हैज इनवर्स रिलेशन।
Zym proportional to 1 upon 2। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर अगर बढ़ता चला जाए, T को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजेस, तो क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर की एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए सस्टेनेबिलिटी का मान निगेटिव हो जाएगा, और वो सब्सटेंस जब निगेटिव हो गया तो क्या करेगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। फॉर ए पर्टिकुलर टी, फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी बराबर, जिसको हम बोलेंगे टीसी, टी बराबर टीसी, और टी सी फॉर क्यूरी टेम्परेचर, तो टीसी क्या हुआ, क्यूरी टेम्परेचर। टेम्परेचर पर जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल था वो डायमैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाएगा, तो एट टी इक्वल टू टी सी पैरामैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस टू डायमैग्नेटिक। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक में चेंज होते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है ना। इसी तरह से फेरोमैग्नेटिक भी पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं, इसको हम लोग आगे, तो इसमें कोई पॉइंट अगर क्लियर करना हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई है, कोई डाउट पूछो, क्लियर हो रहा है सभी? नो, ओके, यस। अब लोग चलते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पर, जो कि थर्ड क्लासिफिकेशन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हम लोगों ने डायमैग्नेटिक मटेरियल से डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, फीबली मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आया, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो भी प्रॉपर्टीज हमारी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की थी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी लगभग वही प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन ये ज्यादा एक्सटेंड में शो करते हैं। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर when ferromagnetic substances are placed in magnetic field they are strongly magnetized in the direction of magnetic field, so ferromagnetic substances ke liye likhenge when placed in a strong magnetic field, except magnetic field in a magnetic field, in a magnetic field क्या होगा, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज, और डायरेक्शन क्या होगी, जैसा पैरामैग्नेटिक होता था, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक पोल्स के पास ले जाने पर वो स्ट्रॉन्गली, वो फीबली अट्रैक्ट होते थे, यहाँ पर जब हम ले जाएंगे तो वही प्रॉपर्टी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट, अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड स्ट्रॉन्गली by the force of a magnet, force of
मैग्नेट के पोल्स के पास ले जाने पर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये हुआ सारी प्रॉपर्टी देखिए यूट्यूब में सोल्यूशन को भरेंगे, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का सोल्यूशन राइज करता था, फेरोमैग्नेटिक का भी राइज करेगा, बहुत जल्दी राइज कर जाएगा स्ट्रॉन्गली। जब हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सबस्टेंस मूव करेगा और वहां पर ढेरी बड़ी सी लग जाएगी पाउडर की और ज्यादा अट्रैक्ट होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर। इसी प्रकार से जब हम रॉड को प्लेस करेंगे मैग्नेटिक मेटल की रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगी और बहुत तेजी से अलाइन होगी, तो तुरंत से वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन होगी। मीन्स पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वाली सारी की सारी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग होती है। तो सीधा मैं तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ, पजेस ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है, पजेस ऑल द प्रॉपर्टीज इसकी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस की सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं बट विद ग्रेटर इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ शो करते हैं, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस स्लोली अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक सबस्टेंस मैग्नेटिक फोर्स की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेवली मैग्नेटाइज होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज वही शो करते हैं विद स्ट्रांग विद ग्रेटर इंटेंसिटी शो करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा अब देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी और परमिबिलिटी देखते हैं। परमिबिलिटी ऑफ द मेटीरियल न्यू इज ग्रेटर देन वन। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए परमिबिलिटी एक से बड़ी होती है, लेकिन मैंने क्या कहा ये सारी की प्रॉपर्टीज ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ होंगी, इसका मतलब है यहां पर फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। नेक्स्ट पॉइंट की सस्टेनेबिलिटी आई एम इसकी वैल्यू होगी क्योंकि पॉजिटिव तो होगी क्योंकि पैरामैग्नेटिक की पॉजिटिव है और उसी तरह के बिहेवियर पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है तो पॉजिटिव तो होगी। पैरामैग्नेटिक के लिए स्मॉल पॉजिटिव थी और यहां पर कैसा हो जाएगा लार्ज पॉजिटिव क्योंकि वही प्रॉपर्टी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आ गई तो सस्टेनेबिलिटी की वैल्यू लार्ज पॉजिटिव। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस क्यूरी लॉ को फॉलो करते थे, यहां पर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस भी क्यूरी लॉ को फॉलो करेंगे। फॉलो क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ क्या है जाइगोन इक्वेशन। अब फिर से यहां पर देखें टी इंक्रीज हो रहा है तो जाइगोन डिक्रीज हो रहा है। देखिए शॉर्ट में आप नोट्स बनाए तो लिखने का तरीका सिंबल के फॉर्म में अगर हम लिखते ना इस तरह के टी इंक्रीजेस जाइएम डिक्रीजेस लिखना लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर टी के आगे ऊपर एरो बना लिया आप अपने समझ के लिए, इसका मतलब टी इंक्रीज कर रहा है बढ़ रहा है, जाइएम के आगे डाउन एरो लगा दिया जाइएम डिक्रीज कर रहा है। मीन्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस सस्टेनेबिलिटी डिक्रीजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीज होते होते टी बराबर टी सी पर पहुंच गया तो एट टी इक्वल टू टी सी, टी सी क्या है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर
प्यूरी टेम्परेचर पर क्या होगा, ये जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस था, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, ये चेंज हो जाएगा किसमें, पैरा में, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस चेंजेस इनटू द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। क्यूरी ताप वो ताप है जिस पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ पैरामैग्नेटिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स देखिए, आपको मालूम है कि लोहा, लोहे से आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं, तो ये हमेशा फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, मैग्नेटिक, FeNiCO, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, और आयरन का एक अयस्क Fe3O4, ये आयरन का एक अयस्क है, ऑक्साइड, ये भी प्रॉपर्टी शो करता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की, और ये नेचुरल मैग्नेट होता है, अर्थ में पाया जाता है, और जब इसकी डिगिंग करते हैं तो ये नेचुरल मैग्नेट के फॉर्म में हमें मिलता है। इसके अलावा और भी सबस्टेंसेस हैं, तो ये खास खास सबस्टेंसेस हैं, इनको याद रखें। अब आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनमें से किसी को अगर हम हीट करते जाए, हीट करते करते इतना टेम्परेचर ले आए कि वो T=TC हो जाए, क्यूरी टेम्परेचर के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में ये अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा और पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। मीन्स इस मटेरियल का टेम्परेचर जब टीसी से ज्यादा होगा उस समय इसकी परमिबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, नॉट मच ग्रेटर देन वन, और इसकी सस्टेनेबिलिटी की वैल्यू लार्ज ना होकर स्मॉल हो जाएगी, और पॉजिटिव तो रहेगा ही क्योंकि पैरामैग्नेटिक के लिए भी पॉजिटिव होता है, फेरोमैग्नेटिक के लिए भी पॉजिटिव होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज कम एक्सटेंट में आ जाएगी। तो इस तरह से आपने तीनों सबस्टेंस तरह की कैटेगरी को देखा, जो क्यूरी और फेराडे ने मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासिफाई किया, पहला डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, छोटी सी टर्म डिफाइन करते हैं आपको कि किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, यहां पर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं डाइपोल, डाइपोल, एक दूसरा वर्ड होता है मोनोपोल, मोनोपोल। शॉर्ट में देखिए कि डाइपोल जब हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं तो हमेशा होते हैं दो पोल एक साथ दिखाते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एस सिरे से निकलकर एस सिरे की ओर जाते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी में हम जब चार्जेस की बात करते हैं तो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों को अगर हम पास पास रखें तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर जाते हैं। अगर हम इस मैग्नेट के दो टुकड़े कर दें, बीच से तो है एन और एस, तो आप देखेंगे एन यहां था एस यहां था, लेकिन जब बीच का ऐसा टूटेगा तो इन फोर्स के अपोजिट फोर्स मैग्नेट में क्रिएट हो जाएंगे। एक मैग्नेट को तोड़ा फिर से इसमें आपको दो पोल मिल रहे हैं, मीन्स हमेशा आपको डाइपोल मिल रहा है यहाँ पर, फिर इस मैग्नेट को तोड़ देंगे तो फिर से जो मैग्नेट बनेगी उसमें एन और एस पोल होगा। हम तोड़ते तोड़ते मॉलिक्यूल लेवल पर ले जाएं तब भी वो मैग्नेट में हमेशा हमें दो पोल ही एक साथ मिलेंगे, और अंत में तोड़ते हुए हम एटम लेवल पर ले आए तब भी हमें दो पोल मिलेंगे, और फाइनली तोड़ते हुए अगर हम इलेक्ट्रॉन के लेवल पर पहुंच जाए, प्रोटॉन के लेवल पर या न्यूट्रॉन पर, तो उनमें स्पिन के कारण भी हमें मैग्नेट के दो पोल्स ही देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा डाइपोल हो गया, मीन्स डाइपोल कभी भी
अकेला पोल नहीं होगा, हमेशा डाई साथ साथ पोल्स होंगे मैग्नेट की, मीन्स मैग्नेट का सिंगल पोल या मोनोपोल एक्जिस्ट नहीं करेगा, मैग्नेट हमेशा डाइपोल में एक्जिस्ट करेगा। इन चार्जेस को हम केवल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, आपने देखा कि बाहर की ओर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइन तो दूसरा चार्ज कहीं सेपरेट ले लिया तो ऐसा लगेगा कि इंफिनिटी से ये लाइन्स आ रही हैं और इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज की ओर जा रही है। मीन्स हम पॉजिटिव चार्ज को कितना भी दूर ले जा सकते हैं, इन्फाइनाइट पर जाकर रख दिया, नेगेटिव को इन्फाइनाइट पर रख दिया, तो ये सिंगल पोल हमें मिल रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिसिटी में मुझे, यानी कि चार्जेस के केस में मुझे मोनोपोल मिलता है, मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, डाइपोल एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया आपका मोनोपोल, ये हो गया डाइपोल, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं कि एटम में मैग्नेटिक डाइपोल कैसे आता है। एटम में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, ये चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को अगर अलग से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी इस प्रकार से घूर्णन गति करता है, तो इसको हम कहते हैं स्पिन मोशन, ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन। तो यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन के कारण इसमें एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाएगा, और स्पिन के कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर हम इनके एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को देखें इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर देखा जाए तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू एल प्लस एस होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होगा, वेक्टर होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा, ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम जो होगा वो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा। अब ज्यादा हम लोग आर्टिकल के डिस्कशन पर नहीं जाते हैं, बस ये मान लीजिए कि अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट देखें, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला ये होता है एम इक्वल टू माइनस एम एच क्रॉस डिवाइडेड बाय ट्वाइस एन, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, पहली ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है, दूसरे में, तीसरे में, पहली ऑर्बिटल दूसरी तीसरी, या एन का मतलब हुआ मुख्य क्वांटम संख्या जिसको आप कहते हैं ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम एन इक्वल टू वन ले गए, वन से तो कम हो नहीं सकता, तो इस कंडीशन में जो m होता है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा, ये म्यू वो वाला नहीं है, कौन सा परमेबिलिटी वाला नहीं है, ये म्यू है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, तो म्यू इक्वल टू माइनस ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय ट्वाइस m माइनस ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, the value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. और कैसा होगा negative. H cross क्या है? H cross to H upon 2 pi. यहाँ पर H is the Planck constant. H is the मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एम ई की वैल्यू 9.1 × 10⁻³¹. ये इलेक्ट्रॉन का मास है, तो आपने देखा जो एम की वैल्यू वन करती है, वन से कम नहीं हो सकती है, तो न्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी वैल्यू माइनस ई क्रॉस टू अपॉन एन ई आती है, और इसी को हम कहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने की सबसे छोटी इकाई, और इसको हम जो एम की वैल्यू एन इक्वल टू बदली म्यू आई, इसको हम कहते हैं म्यू बी या बोहर मैग्नेट्रॉन,
दोबारा से लिख लें, म्यू बी इक्वल टू, अब आप म्यू और म्यू बी में कंफ्यूजन हो गए, म्यू बी हमारा वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है और जो मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करने का एक नेचुरल यूनिट बन जाती है, एक नेचुरल मात्रक बन जाती है जिसको हम कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन माइनस ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम। तो ये आपका कहलाएगा बोर मैग्नेट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि बोर मैग्नेटिक मोमेंट को किस में मेजर करते हैं, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में, मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। तो कहा जाएगा कि आप मैग्नेटिक मोमेंट को किस में मेजर करेंगे, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट को किस में मेजर करेंगे, तो बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, अब यहाँ पर ढूंढेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन और एटम में क्या फर्क होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन का आपने टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो ऑर्बिटल प्लस एस का सम होगा। अब एटम आ गया, एटम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका पूरे एटम का टोटल कितना हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, दूसरे का एंगुलर मोमेंटम टोटल, प्लस तीसरे का, जितने भी इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सभी के टोटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम जो होगा वो उस एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। और एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा तो आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे डायमैग्नेटिज्म। अभी तक आपने स्टडी किया डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायमैग्नेटिज्म आता कहां से। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म उन सब्सटेंसेस में पाया जाता है जहां पर जिनके एटम में इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी मटेरियल है जेड इक्वल टू 4, 6, 8, 10, even atomic number, इसका मतलब है even number of electrons अगर होंगे तो उसमें होगा क्या, जब even number of electrons हो गए तो net magnetic moment जो होगा, आपको मालूम है कि किसी orbital में electron जाता है, जैसे मान लिया 1s orbital है तो एक up spin के साथ एक down spin के साथ जाता है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे डायरेक्शन में, ड्यू टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से जब पेयर में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा एटम का, जीरो। तो ऐसे एटम या ऐसे सब्सटेंस जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाता है, इसलिए वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते हैं जो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। एग्जांपल्स आपको मैं पहले बता चुका था। और ऐसा होता क्यों है, आप ये देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन अप डायरेक्शन में स्पिन था, एक का डाउन है, अब इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऊपर की ओर लगा है, क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन फास्ट हो जाएगा, एक का स्लो हो जाएगा, इसका स्पिन फास्ट हो गया, बड़ी लाइन दिखा रहा है, इसका स्लो। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तब इनमें मैग्नेटाइजेशन आएगा, अदरवाइज
इनमें ऑलरेडी पहले से कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, ठीक है ना। और इस कंडीशन में जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड और नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी पॉइंट, इनमें मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन और अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पैरा मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरा मैग्नेटिक। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है, जेड ऑड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि दो दो के पेयर सारे इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बनेगा उसका किसी एक डायरेक्शन में स्पिन होगा, स्पिन के कारण उसमें एंगुलर मोमेंटम एस होगा, एस होगा तो उसका कुछ ना कुछ न्यू होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से इनमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो हमेशा ये क्या करेंगे, हमेशा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे और जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनके अट्रैक्ट किए जाएंगे। ये कोई सबस्टेंस था इसमें छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट, मैं एक फिगर बना रहा हूं, ये मटेरियल मैंने मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, बहुत सारे एटम्स हैं इनका मैग्नेटिक फील्ड रैंडम मैग्नेटिक मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में होगा और ये टोटल मिला के जीरो बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे बी में, तो क्या होगा, ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे सारे मैग्नेट। आपने पढ़ा होगा टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इससे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वहाँ पर पहले के लेक्चर में, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे टाइनी मैग्नेट्स जो एटॉमिक मैग्नेट हैं अपने आप को अलाइन करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएंगे और इसमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इसका जीरो नहीं होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल शो करने लगेगा, ठीक है ना। मैग्नेटाइजेशन को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, देखिए आपने कहा देखा था कि हम टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करें, टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है काईएम वो इंक्रीज होगी, टी डिक्रीज करेंगे काईएम इंक्रीज होगी, काईएम इंक्रीज होने का मतलब है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज करने के लिए हमें डिक्रीज करना पड़ेगा टेम्परेचर और या फिर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज
मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें या मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें? डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम मैग्नेटाइजेशन को चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन को बढ़ा सकते हैं। इसको टर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, इनके लिए एक्सप्लेनेशन की फेरोमैग्नेटिज्म कहां से आया? ये डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की तरह से नहीं एक्सप्लेन किया सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट थ्योरीज के लिए होती है। इसके डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे, बस इतना देखते हैं कि टाइनी मैग्नेट जो वर्ड हम यूज करते हैं वो एटॉमिक मैग्नेट्स के लिए यूज करते हैं। एटॉमिक मैग्नेट्स मतलब एटॉम में जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया तो मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, तो उनके लिए हम टाइनी मैग्नेट, फेरोमैग्नेट की सोचते हैं, तो उनमें टाइनी मैग्नेट्स के फॉर्म में ये एटॉमिक मैग्नेट्स पड़े रहते हैं और उनका परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ होता है हर एक मैग्नेट का, लेकिन रैंडम वे में पड़े रहने के कारण टोटल जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो शो नहीं करते हैं। अब कुछ नेचुरल इंटरेक्शन होता है उनके बीच, नेचुरल इंटरेक्शन बिटवीन एटॉमिक मैग्नेट्स, एटॉमिक मैग्नेट्स के टाइनी मैग्नेट्स के या एटम्स के, तो एटम्स के बीच कुछ नेचुरल इंटरेक्शन होता है जिसके कारण ये फॉर्म सम इफेक्टिव, सम इफेक्टिव स्मॉल रीजंस, इफेक्टिव स्मॉल रीजंस। कोई पदार्थ है उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, आयरन मान लिया, लोहा, उसमें लोहे के बहुत सारे एटम्स होंगे, ये हमारे टाइनी मैग्नेट या एटॉमिक मैग्नेट कहलाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि बहुत से टाइनी मैग्नेट्स का ग्रुप मिलकर एक पर्टिकुलर ग्रुप जैसा बना लेता है, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, तो उस तरह से बहुत सारे मैग्नेट्स का एक ग्रुप मिलकर के कुछ छोटे छोटे इफेक्टिव रीजन बना लेता है। इन इफेक्टिव रीजन को हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो अब हम लोग सीधे एटॉमिक मैग्नेट की बात ना करके हम लोग डोमेन की चर्चा करें। डोमेन का मतलब है कलेक्शन ऑफ सम एटॉमिक मैग्नेट्स का जो ग्रुप बन गया है और वो ग्रुप साइमल्टेनियसली एक जैसा बिहेवियर करेगा, दूसरा ग्रुप दूसरे डायरेक्शन में पड़ा होगा दूसरी तरह से बिहेव करेगा। जैसे मैंने कहा कि एक एटम ऊपर डायरेक्शन में अलाइन है मोमेंटम, दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजेंटल डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में। यहाँ पर हम सिंगल एटम की बात ना करके बहुत सारे एटम्स का ग्रुप डोमेन बना लेता है, तो डोमेन एक जैसा बिहेव करता है, इन स्मॉल रीजंस को हम डोमेन कहते हैं। और हर डोमेन में लगभग ईच डोमेन कंटेन 10 टू द पावर 17 टू 10 टू द पावर 21 एटम्स, हर डोमेन में लगभग इतने सारे एटम्स, यानी कि 10 टू द पावर 17 से लेकर के 10 टू द पावर 21 एटम्स मिलकर के एक नेचुरल इंटरेक्शन के द्वारा, उस इंटरेक्शन को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये अपर क्लासेस की स्टडी का टॉपिक है कि इंटरेक्शन कैसे होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये सारे के सारे एटम्स, इतने एटम्स मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और वो ग्रुप की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, यानी कि उस ग्रुप के अंदर अगर एक एटम अपना मैग्नेटिक मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा होगा,
तो सारे के सारे 10 to the power 17 या 21 एटम जितने डोमेन के अंदर होंगे सब एक ही डायरेक्शन में उनका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। कोई दूसरा डोमेन उसके बगल में मैंने ले लिया उसमें भी लगभग इतने एटम होंगे। अगर उनमें एक एटम पूरी जमीन से थीटा डिग्री पर रखा हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट थीटा डिग्री पर है, तो सभी के सभी 10 to the power 17 से 21 एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट थीटा डिग्री पर ही आपको मिलेंगे। मीन कलेक्टिवली एक ग्रुप में वो एक जैसा बिहेव करते हैं, मीन्स एक डोमेन एक जैसा बिहेव करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा डोमेन बन गए, इनके जो मैग्नेटिक एक्सिस होंगे, शॉर्ट में नोट करते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस अलाइंस इन सेम डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक एक्सिस होंगे एटम्स के वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन होंगे, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ एटम्स अलाइंस इन सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर देखते हैं, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा हो, एक डोमेन में यहाँ बना ये डोमेन है, बहुत सारे इसमें टाइनी मैग्नेट है 10 to the power 17 से लेकर के 21 तक, ये पूरा हमारा हो गया डोमेन, ये हो गए एटम्स, ये टाइनी मैग्नेट्स कितने हो गए 10 to the power 17 से 10 to the power 21 नंबर में। ये नोट कर ले, मैग्नेटिक सैचुरेशन की कंडीशन में रहते हैं, मैग्नेटिक सैचुरेशन। मैग्नेटिक सैचुरेशन कब रहेगा, जब नो मैग्नेटिक फील्ड, नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, तो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रिमेन्स इन द मैग्नेटिक मैग्नेटिक सैचुरेशन आ जाने से ये डोमेन पूरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। अब एक एग्जाम्पल समझने कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा सब्सटेंस का टुकड़ा है और इसमें बहुत सारे डोमेन्स ले लो, ये मान के डोमेन्स, एक डोमेन के सारे मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में होंगे, हम कलेक्टिवली इनको ऐसे दिखा देते हैं। दूसरा डोमेन 10 to the power 17 से 21 मान लिया इस डायरेक्शन में, ये रैंडम जितने भी डोमेन्स होंगे सब्सटेंस में वो अलग अलग डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से सबका अलाइनमेंट जब अलग हो जाएगा तो कुल मिला के इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, नेट मोमेंट इनका जीरो हो जाएगा। जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये दो तरीके से मैग्नेटाइज हो सकते हैं। एक दूसरा फिगर देखने की कोशिश करिए, When placed in magnetic field, तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि मैंने ये डोमेन बनाया, मान के चार ऐसे ले लिया, ऐसे ऐसे, इसमें सारे अलग अलग डायरेक्शन में, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, नो मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इनमें दो तरह से अलाइनमेंट हो सकता है, चेंज हो सकता है। पहला, अगर बीच मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो डोमेन डिस्प्लेस हो जाती है,
ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इस डायरेक्शन में ये डोमेन डिस्प्लेस हो गया, बड़े सारे एक ऊपर डायरेक्शन वाले जितने डोमेन थे उनकी संख्या बढ़ गई और ये इस प्रकार से डोमेन डिस्प्लेस हो गए। तो जब वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है तो डोमेन डिस्प्लेसमेंट के द्वारा उसमें मैग्नेटाइज होता है, और जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको देखें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में अलाइन हो जाएंगे, देखा ऊपर तो लेफ्ट राइट और अप डाउन वाले के सारे अप डायरेक्शन में हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। और ये कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। कल की क्लास में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर।